वंस अगेन एक नई और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आर खबर से अदारे गुल्फ न्यूज़ के भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के हवाले देते हुए ये खबर शाये की है कि रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में किसान के घर में लगे एसी में से 40 सांप बरामद हुए हैं। सांप बरामद होने के बाद इलाका मकीन खौफजदा हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वाकया भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के गाँव पोली खर्द में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक शारंधर नाम एक किसान ने अपने घर में एक सांप का बच्चा देखा। किसान ने सांप के बच्चे को देखते ही उसे पकड़ा और घर से बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब वो अपने कमरे में सोया था तो उसे बिस्तर पर तीन सांप एक साथ नजर आए। इस सूरत हाल को देखते हुए किसान फौरी तौर पर उठकर बैठ गया और उसे की नज़र अचानक एयर कंडीशनर पर पड़ी, यानी एसी पर पड़ी, जहाँ बहुत सारे सांप मौजूद थे। ये सूरत हाल देखने के बाद किसान खौफजदा हो गया और उसने मदद के लिए अपने भाई को तलब कर लिया। शरदानंद के भाई ने आकर देखा कि एसी के पाइप में 40 से ज़ायद सांप बैठे हुए हैं। ये खबर देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद पड़ोसी शरदानंद की मदद को पहुंचे और फिर उन्होंने एक एक करके सांप पकड़ा और पकड़कर उन्हें कपड़े के थैले में डाल दिया और उन्हें करीबी जंगल में छोड़ दिया। मकामी वेंडी डॉक्टर और के वतासल का कहना था कि एसी गुज़िश्ता कई महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से मादा सांप ने पाइप के अंदर अंडे दे दिए होंगे और अब उनमें से बच्चे निकलना शुरू हुए होंगे, इसलिए वो कमरे में रेंगते रेंगते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, ये बहुत ही खौफनाक खबर थी जो कि हमने आपको पहुंचाई, लेकिन इस खौफनाक खबर का आप तक पहुंचाना ये ज़रूरी था क्योंकि इससे इलाका मकीन खौफजदा हो गए हैं। इस तरह से ये कहीं और भी वाकयात हुए हैं और हो सकते हैं, और इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप भी अपने एयर कंडीशनर्स को साफ करते रहा करें, उनकी सफाई करवाना ज़रूरी है। इस तरह की लेटेस्ट और न्यू अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप ही वीडियो को देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो मत भूलिएगा और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप इस वीडियो का मुतल्लिक क्या राय रखते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। बहुत शुक्रिया।